इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर पिछले 5 सालों में इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर 16-17% CAGR की दौर से ये ग्रो हो रहा है। यानी कि पिछले 5 सालों में इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर अच्छी तरह से ग्रो हो चुके हैं और आगे भी ये होने वाला है, क्योंकि जितना भी अनऑर्गेनाइज बिजनेस इंडिया में चल रहा है वो ऑर्गेनाइज के अंदर मूव हो रहे हैं। और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर 2022 तक 8.6 ट्रिलियन रुपीज तक जा सकता है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के बारे में। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर का फंडामेंटली कैसे दिखाई दे रहा है, फ्यूचर ग्रोथ कैसे दिखाई दे रहा है, क्या क्या फ्यूचर प्लान है और क्या यह निवेश करने का लायक अभी है, और निवेश भी करते हैं तो कितना रिटर्न मिल सकता है। तो सबसे पहले आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कुछ हाइलाइट्स के बारे में। जो ईयर ऑन ईयर कंपनी ने यहाँ पे 5% का रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ दर्ज किया है। जब बात आते हैं नॉन कोविड रेवेन्यू तो वहाँ पे 38% का ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है, जो आगे आने वाले दिनों में धीरे धीरे कम होता रहेगा। नंबर ऑफ टेस्ट के अंदर कंपनी ने यहाँ पे 29% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ एंड पेशेंट विजिट के अंदर करीब 25% का ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने दिखाया है। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कोविड जो रेवेन्यू है वहाँ पे थोड़ा सा अप एंड डाउन आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोविड का जो केसेस है उसके ऊपर डिपेंड करता था कंपनी का रेवेन्यू। तो आगे चल के शायद यहाँ पे आपको थोड़ा सा रेवेन्यू के अंदर गिरावट कोविड सेक्शन के अंदर दिखाई दे सकता है, लेकिन नॉन कोविड के अंदर कंपनी ने बहुत ही अच्छी तरह से काम यहाँ पे कर रहे हैं। अभी जो स्लाइड आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं यहाँ पे देखने लायक एक चीज है, जो मार्जिन है यहाँ पे। अब लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे लिसन क्वार्टर का, तो यहाँ पे मार्जिन के अंदर अच्छा खासा गिरावट आपको दिखाई देगा। जब ईबीटा के अंदर मार्जिन में भी यहाँ पे गिरावट है एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की जो मार्जिन है यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा गिरावट दिखाई दे रहे हैं। जब बात आता है कंपनी का पेशेंट काउंट का, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो लास्ट ईयर था 2.6 मिलियन पेशेंट वो बढ़ के हो गया है, जो पहुंच गया है 3.3 मिलियन पेशेंट तक। जब बात आता है टेस्ट का, तो कंपनी ने जितना भी टेस्ट किया था लास्ट ईयर तक यहाँ पे क्वार्टर 2021 में वो था 4.8 मिलियन, वो बढ़ के हो गया है 6.2 मिलियन। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस यहाँ पे 29% का अपर साइड दिखाई दे रहा है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टेस्ट। जब बात आता है पर पेशेंट रेवेन्यू का, तो यहाँ पे टोटल बिजनेस के ऊपर बात करें तो यहाँ पे टोटल बिजनेस के अंदर यहाँ पे गिरावट दिखाई दे रहा है, लेकिन जो नॉन कोविड बिजनेस है वहाँ पे 12.1% का ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो पहले मैं बता दूँ कंपनी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नॉन कोविड बिजनेस, तो आपको इसको ध्यान में रखना चाहिए। एक्चुअली जो कोविड का बिजनेस है वो जस्ट टेम्पररी है और इसीलिए उसको ज़्यादा ध्यान देने का जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगा जब मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर को स्टडी कर रहे हैं। जब आप रेवेन्यू पर टेस्ट भी देखेंगे तो नॉन कोविड बिजनेस के अंदर यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस क्वार्टर टू क्वार्टर 6.9% का ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। अभी जो आप स्लाइड देख रहे हैं ये स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसी से आपको पता चलेगा कि मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर एक ग्रोइंग बिजनेस है और आगे भी प्लान इसका बहुत ही ज़बरदस्त है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं यहाँ पे करीब करीब फर्स्ट हाफ के अंदर यहाँ पे मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर 7 नया लैब ओपन कर चुका है, और जब सेंटर्स की बात आता है तो यहाँ पे 451 सेंटर्स यहाँ पे ऐड कर चुके हैं मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर ने। और आगे क्या प्लान है आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे हैं, तो आगे आने वाले 3 सालों के अंदर मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर 90 लैब एंड 1800 सेंटर ये पर्टिकुलर कंपनी ओपन करने वाला है। तो कंपनी का टोटल लैब की बात करें तो रिसेंट कंडीशन में कंपनी के पास 132 लैब है, और यहाँ पे सर्विस सेंटर की बात करें तो वहाँ पे 3006 काउंट के हिसाब से यहाँ पे सर्विस सेंटर कंपनी के पास मौजूद है। और कंपनी का ये कहना है कि आगे आने वाले 6 महीने के अंदर सेकेंड हाफ के अंदर कंपनी 15 से 20 नया लैब भी खोलेगा, ऊपर से 2250 से करीब करीब 300 तक भी जो सर्विस सेंटर है वो भी कंपनी क्रिएट करने वाला है। तो इससे आपको क्लियर अंदाजा मिल रहा है कि कंपनी के पास डिमांड बहुत ज़्यादा आ रहा है, कंपनी अपना जो एक्सपेंशन प्लान है वो लगातार इम्प्रूव कर रहे हैं और कंपनी लगातार ग्रो भी कर रहे हैं। इसी के साथ कंपनी का आप फाइनेंशियल रिजल्ट भी देखेंगे तो हर साल में कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है। कंपनी का रेवेन्यू को यहाँ पे 3 सेगमेंट में डिवाइडेड किया गया है, कंपनी का फोकस, सीडिंग एंड अदर्स। जब फोकस की बात करें जहाँ पे कंपनी ज़्यादा फोकस देता है वहाँ पे 61% तक यहाँ पे मार्केट शेयर गेन कर चुके हैं।
और सीडिंग मतलब जो नया नया कंपनी ने खोला है वहाँ पे कंपनी 20% तक मार्केट शेयर हैंडल करते हैं। कंपनी का रेवेन्यू आप जियोग्राफी वाइज देखेंगे तो आपको पता चलेगा कंपनी ईस्ट में थोड़ा सा वीक है, तो कंपनी ईस्ट में थोड़ा सा अपनी जगह मजबूत कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे मार्केट शेयर रेवेन्यू के अंदर मार्केट शेयर गेन कर चुका है। उसी के साथ कंपनी इंटरनेशनल मार्केट भी गेन कर रहा है, वो भी बहुत तेजी से। एक साल में आपने यहाँ पे देख पा रहे हैं करीब करीब ये डबल से भी ज़्यादा मार्केट शेयर ऑलरेडी गेन कर चुका है। शायद आपको पता होगा कि कोविड के बाद कंपनी बहुत ज़्यादा होम विजिट करने लगा है, क्योंकि होम विजिट के अंदर हेल्थ केयर सेक्टर को ग्रोथ ज़्यादा नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर ईयर बेसिस आप देखेंगे तो 17% का ग्रोथ होम विजिट के अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लास्ट ईयर था ये करीब करीब 80 करोड़ का और बीते हुए 6 महीने में ये 51 करोड़ तक यहाँ पे पहुँच गया है। तो अभी जो मैंने डिस्क्राइब की ये नॉन कोविड बिजनेस का है। अभी टोटल बिजनेस देखेंगे तो यहाँ पे आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस क्वार्टर वाइज यहाँ पे गिरावट दिखाई देगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कोविड जो है वो बहुत कम हो चुका था इस क्वार्टर में। तो यहाँ पे जो कोविड का टेस्टिंग था वो बहुत कम हो चुका है, उसी के कारण यहाँ पे टोटल बिजनेस के अंदर गिरावट दिखाई दे सकता है, लेकिन जो नॉन कोविड बिजनेस है वहाँ पे अभी भी ग्रोथ जारी है। कंपनी के ऊपर कुछ इम्पैक्ट की बात करें तो मेट्रोपॉलिस हेल्थकेयर डिजिटली बहुत जोरों शोरों से आगे चल रहा है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस डिजिटल वाइज यहाँ पे 291% का इंक्रीजनेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जब वेबसाइट विजिट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस 431% का इंक्रीज दिखाई दे रहा है। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि होम विजिट के अंदर भी कंपनी रेवेन्यू के अंदर वहाँ पे बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है। अभी आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कंपनी का नेटवर्क एक्सपेंशन प्लान जो मैंने भी पहले भी आपको बता चुका हूँ, तो आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे हैं आगे आने वाले 3 साल के अंदर कंपनी 90 लैब ओपन करने वाला है, उसी के साथ साथ 1800 नेटवर्क सेंटर भी ओपन करने वाला है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मेट्रोपॉलिस हेल्थ केयर जैसे कंपनी के अंदर आप निवेश करेंगे तो डायग्नोस्टिक मार्केट को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं 2012 में डायग्नोस्टिक मार्केट इंडिया में हुआ करता था 240 बिलियन रुपीज़ का, वो बढ़ के 2022 तक करीब आते आते वो गया है 924 बिलियन रुपीज़। तो यहाँ पे 11.6% की दौर से ये यहाँ पे लेटेस्ट 3-4 साल में ये ग्रो कर रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कितनी अच्छी तरह से डायग्नोस्टिक मार्केट यहाँ पे ग्रो हो रहा है। जब बात आते हैं मेट्रोपॉलिस हेल्थ केयर का तो एक फंडामेंटली ग्रेट कंपनी है और यहाँ पे फ्यूचर प्लान जो मैंने आपको आपसे डिस्कस किया है वो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी एक ग्रोइंग कंपनी है और कंपनी आगे जाके ग्रो करेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो जस्ट एक प्रॉब्लम हो सकता है कंपनी के ऊपर, वो है कंपटीशन। मार्केट में कंपटीशन के अलावा कंपनी के ऊपर दूसरा कोई चैलेंज नज़र आता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। तो अगर आप इसके ऊपर निवेश करेंगे तो आपको वैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए स्टैगर्ड वे में निवेश करना चाहिए। तो आज वीडियो में इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।